नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज का ये जो वीडियो है अनबॉक्सिंग का वीडियो होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो है जो अनबॉक्सिंग का वीडियो होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक छोटे से प्रोडक्ट जिसका नाम है नेल फ्री वॉल हुक। समझे, जैसे कि एक प्रकार से किल है, समझे। और इस किल का हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझे, और इसका ज़्यादा भी कुछ खास कीमत नहीं है। पर क्या है कि सपोज दैट मान ली कि मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि मैं कंटेंट राइटर हूँ या फिर कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर मैं मतलब वेबसाइट बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ऐप्स बनाता हूँ। तो इस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स या वेबसाइट बनाता हूँ, उसके लिए हमको उस चीज़ को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वीडियो शूट करना पड़ता है। और वीडियो शूट करने के लिए ऐसे बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, बहुत से मतलब साजो सामान होते हैं जो कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। समझे, यानी कहने का मतलब है कि आपको उस तरीके के इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, स्टूडियो सेटअप करना पड़ता है। तो स्टूडियो सेटअप करने के दौरान ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको मंगाने पड़ते हैं। और उसी के दौरान क्या है कि मेरे को मतलब क्या है कि सपोज दैट मान ली कि ये वाल है, समझे। अभी क्या है कि मैं पीछे मतलब अपना एक नेम प्लेट लगाना चाहता हूँ। नेम प्लेट लगाने के मतलब कि जो भी मान ली कि सपोज दैट मेरे चैनल का नाम है आदर्श गुरुजी, तो कुछ यहाँ पर मतलब लाइट लगाना चाहता हूँ जो कि जिसमें लिखा हुआ रहेगा आदर्श गुरुजी। और उस लाइट को क्या है कि मैं यहाँ पर रखने के लिए मतलब उसको टांगने के लिए, हैंग करने के लिए क्या है कि मतलब कोई सहारा चाहिए, समझे। कोई सहारा के मतलब कि सपोज दैट मान ली कि कील ठोकते हैं, तो कील ठोकने से क्या हुआ कि ये वाल जो है खराब लगने लगेगा। और मान ली कि अभी के लिए तो काम निकल जाएगा, बट मतलब सपोज दैट आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो कील हटाने से क्या है कि वो गड्ढा बना रहेगा। या आप मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब जगह मतलब कील आप ठोकते चले दीवार में, समझे। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए एक छोटा सा है, समझे, छोटा सा मतलब एक मतलब आइटम है, समझे। और इसका नाम है नेल फ्री वॉल हुक, समझे। और यही एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें अगर आप देखें तो 10 मतलब हमने मंगाया है। और इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि बिना मतलब दीवार पे कील ठोके हुए किसी चीज़ को आप मतलब हैंग कैसे कर सकते हैं या किसी चीज़ को कैसे टांग सकते हैं, समझे। तो एक छोटा सा प्रोडक्ट मंगाया है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है, सारी चीज़ को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, समझे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये है 12 तारीख को, समझे, मेरे पास आ चुका था, ठीक है। और हालांकि आज जो है 13 तारीख है, समझे। आज टाइम मिला तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। अब इससे देखिएगा, समझे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसका आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, समझे। तो सबसे मेन मुद्दे वाली बात ये है कि आप उन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हमें ड्रिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, या ड्रिलिंग करने से बार बार आपके दीवार में क्या है कि गड्ढा या जो भी है उससे बचना चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए आपका ये उपाय है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपको वजन 5 kg तक आप वजन दे सकते हैं इस किल पर, समझिए। और इस किल को आसानी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी सतह पर, समझे, चाहे आपको उस दीवार पर टाइल्स लगा हो या नहीं लगा हो, समझे, या उस पर पेंट लगा हुआ, तो उसमें आप एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब दीवार आपका जो है पूरा क्लीन और मतलब क्या कहते हैं सही होना चाहिए, ताकि ये मतलब सही से फिक्स हो सके, समझे। तो ये है। और ये भी है कि बार बार ड्रिलिंग करने से, बार बार किल ठोकने से दीवार और या फिर जो भी है आपका डैमेज होता है, समझे। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने भी हमें मतलब मुझे भी आवश्यकता ये पड़ा तो मैंने मतलब मंगवाया है। हालांकि प्राइस मैटर नहीं करता, कीमत मात्र इसका 182 रुपया है, पर ये जो है बहुत काम की चीज़ है, समझे, कि आप उसको कील ठोकने से बचते हैं, समझे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं कि क्या क्या हैंग किया गया, जैसे बोतल है और भी छोटी छोटी चीज़ों को, समझे, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है किस तरीके से रहता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको लाइव यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, समझे, और मैं एक इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको आप सेटअप कर सकते हैं दीवार पे। और इसका है 2.4 इंच है से लेकर के 6 इंच तक, ठीक है, ये जो भी है वाइट और हाइट है, समझे। और कुल आपको ये मतलब आपको 10 मिलेंगे, समझे, पैक में आपको 10 किल आएगा, ठीक है, इन 10 को आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये तो सारा कुछ मतलब डिटेल है, जो कि कीमत मात्र आपको 182 रुपये। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि ये मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपको मर्जी है तो और भी मतलब अलग अलग अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख सकते हैं, जो आपको पसंद आता है उसे आप मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, समझे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है,
बस मेरे को आवश्यकता पड़ा समझे सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए, तो मुझे लगा कि है छोटी चीज पर इसको बताना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं लाइट समझे, इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे या दीवार पर कैसे फिक्स करेंगे। जैसा कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख करके सारी चीज़ आप समझ चुकेंगे, पर इसी चीज़ को क्या है कि हम लोग लाइव देखते हैं और किस तरीके से हम लोग कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं समझे, और ये किस प्रकार से देखने को मिल जाता है हम लोग को, तो ये हम लोग देख लेते हैं समझे। और ये मतलब छोटा प्रोडक्ट है बट अच्छा चीज़ है समझे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा चीज़ है इसका वीडियो बनाना। पर क्या लगता है कि सपोज दैट अगर आप नए यूट्यूबर हैं समझे, या किसी कंटेंट राइटर है, वीडियो शूट करते हैं, या फिर आपका स्टूडियो है, तो उस दौरान आपको भी जरूरत पड़ा होगा कि कहीं मतलब एडजस्ट करना, हर जगह कील ठोकना मतलब संभव नहीं होता है तो समझे, तो इसीलिए मैंने मतलब मंगाया है, तो मुझे लगा कि ये मतलब हर किसी को मतलब आवश्यकता पड़ सकता है समझे, या जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ेगा ये उनके लिए मतलब बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो समझे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ समझे। तो ये आप देख सकते हैं टोटल आपको 10 देखने को मिल जाएगा, 2 समझे, 4, 6, 2, 8 और ये 10 समझे, टोटल 10 आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो है बहुत ही मतलब सिंपल है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है, बट हाँ इसमें अगर देखें तो ये यहाँ से क्या है ना कि ये ओपन होता है समझे, अभी ये भी ओपन होगा, आप सपोज दैट कोई चीज़ एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या है कि इधर से आपको ओपन करना पड़ेगा, पीछे से ये आपको खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद इसको आप चिपका दीजिए दीवार में, और ये भी है कि ये भी खुलता है, पर एक सिरा से ये मतलब चाहे तो दोनों खोल सकते हैं समझें, पर कोई नहीं दिक्कत नहीं है, एक सिरा ऐसे ही रहने देते हैं हम समझें, आप अपना आवश्यकता अनुसार देख लीजिएगा कैसे एडजस्ट कीजिएगा। और ये जो सिरा है सपोज दैट मान ली कि किसी चीज़ को मैं एडजस्ट करूँगा समझे, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर सपोज दैट मैं एक मतलब अधिक जो भी है आईना मतलब यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब नीड है कि यहाँ पर एक आईना होना चाहिए, और मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे मतलब सेट करके भी दिखाता हूँ ताकि इसको आप देख सकते हैं। तो क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको साइड से क्या है कि इसको आपको रिमूव कर देना है समझे, और आपका मतलब टाइल्स लगा हुआ है दीवार तो भी अच्छा है, या फिर टाइल्स नहीं लगा और पेंट किया हुआ है तो अच्छा है समझे, तो इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद ज़्यादा कहीं आपको जहाँ मतलब सूटेबल लगता है, 1 मिनट सपोज दैट मैं ये आईना लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस आईने को पहले मैं जगह देख लेता हूँ कि कहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है समझे, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमको लगाना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है तो मैं यहाँ पर देख लिया हूँ, ठीक है, इस जगह पर मैं लगाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, इस जगह पर लगाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे और इसको क्या है कि आप यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा जो भी इसके अंदर एयर है एयर को मतलब हटा दीजिए, निकाल दीजिए ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए समझे, इस प्रकार से आप इसको चिपका लेने के बाद, ये भी है कि आप इसको मतलब रिमूव कीजिएगा तो आपका पेंट भी खराब नहीं होगा समझे, ये भी है सबसे बड़ी, ये भी है कि आप इसको हटाते हैं तो आपका पेंट भी खराब नहीं होगा, पपड़ी मतलब लेकर के नहीं उखड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, और ये जो है कील समझे यहाँ पर लगा देते हैं समझे, तो ये क्या है कि आपको क्या है कि बिना मतलब ड्रिलिंग किए हुए, बिना कील ठोके हुए आप किसी चीज़ को कहीं भी हैंग कर सकते हैं समझे, तो ये आराम से हो गया है, क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg तक आप इसमें हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।